नाच गानों के बीच पटना वंदे भारत पहुंच गई है हावड़ा स्टेशन पे। दोनों वंदे भारत ट्रेन को लगाया गया, एक रांची से चल करके आई है और दूसरी पटना से चल करके आई है। दोनों ट्रेन की सौगात एक ही दिन रांची और पटना के बीच। देख लीजिए किस तरह से ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ इस ट्रेन का एंट्री हुआ है हावड़ा स्टेशन में। और हमने कहा ये जिस तरह जितनी बड़ी सौगात है उतना ही बड़ा सेलिब्रेशन है। भव्य तैयारियों के बीच पटना हावड़ा वंदे भारत का उद्घाटन होने वाला। और पीछे देख लीजिए मोदी जी दिखाई दे रहा है, साथ में वंदे भारत ट्रेन भी दिख रहा है। उसी तरह से पूरा पटना स्टेशन सज धज के तैयार है आज के इनॉग्रल रन को शुरू करने के लिए। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर भव्य तैयारी है। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। सामने अगर एक नंबर प्लेटफॉर्म की इस एंट्रेंस पर आएंगे तो ये देखिए भव्य तोरण द्वार, जिसपे मोदी जी और एक तरफ और दूसरे तरफ जो है वंदे भारत ट्रेन की तस्वीरें हैं। वहीं अगर पटना जंक्शन अब आप एंट्री करते हैं तो एक नई चीज़ें इस पर लग गया है, बिहार की झलक यहाँ पर इन दीवारों पर दिखता है। इधर में देख लीजिए लक्ष्मी नारायण मंदिर सहरसा, जनकपुर धाम, बाबर का गुफा, थावे मंदिर, उसके अलावा कोकोला जलप्रपात, राजगीर और मंदार पर्वत दिख रहा है। उधर में जो है हरिहरनाथ और इस तरफ में बिहार के की धरोहर तीन ब्रिजेस, मेगा ब्रिजेस दिख रहा है। कोसी रेल ब्रिज, दीघा रेल ब्रिज और सोनपुर रेल ब्रिज दिख रहा है इसमें। तो भव्य तैयारियों के बीच देखिए डॉग स्क्वाड इधर में आ गया है। तो जब इस तरह का आयोजन होता तो सुरक्षा व्यवस्था में पूरा जो है सुरक्षा महकमा लग जाता है। और अभी अंदर चलेंगे, दिखाएंगे आपको कैसी तैयारी है, कैसे सेलिब्रेशन हो रहा और यहाँ से जब ट्रेन चलेगी तो हावड़ा तक के सफ़र में कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है। पूरा सज धज के स्टेशन तैयार है और यहीं स्टेशन में जैसे ही एंट्री करेगा अपना कैमरा तो सामने में अपनी वंदे भारत पूरा चमचमाती हुई खड़ी है। बाहर से यह ट्रेन बुलेट ट्रेन की तरह दिखता है तो अंदर में हवाई जहाज़ की तरह फैसिलिटीज है। इधर में अगर देखेंगे तो उद्घाटन की तैयारियां हो रही है। इधर में देखिए क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन होना है और आज एक साथ 9 वंदे भारत की सौगात देश को मिल रहा, उसमें अपने बिहार को भी एक वंदे भारत ट्रेन मिला जो पटना से लेकर के हावड़ा तक की यात्रा आपको कराएगा। पटना से लेकर के हावड़ा तक की यात्रा करने के लिए 2725 रुपये आपको देने होंगे। वहीं अगर आप चेयर कार में यात्रा कर रहे हैं तो 1505 रुपये आपका किराया होगा। और ये बाहर से देख लीजिए एक बार फिर से बुलेट ट्रेन की तरह ये दिखता है और अंदर में एरोप्लेन की तरह की फैसिलिटी है जिसको हमने कई बार दिखाया है। जैसे एरोप्लेन में दो क्लास है, इकोनॉमी और बिजनेस, उसी तरह से इसमें एक्सिक्यूटिव और चेयर कार है, उसी तरह का अंतर है। आप आइए इस लग्जीरियस जर्नी का एहसास कीजिए इस ट्रेन में टिकट कटा करके। अभी चलेंगे यहाँ की यात्रा में, आप बने रहिए हमारे साथ, हावड़ा तक आपको लेकर के चलेंगे। तो इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ कर दिया है और ट्रेन अब खुलने वाली है और खुल गई है, समझ लीजिए पटना से चल पड़ी है। हनुमान की जय, हर हर महादेव। तो एक जयकारे के साथ जो है ट्रेन, और अब से यह ट्रेन हावड़ा से पटना के बीच या पटना से हावड़ा के बीच बुधवार को छोड़ करके सप्ताह में 6 दिन चलेगी। और अब IRCTC पर बुकिंग भी शुरू हो गया, आप भी टिकट कटाइए और इस सुपर यात्रा को देखिए। हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई आज के इस दिन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। देख लीजिए सामने से, हमको लगता है किसी भी वंदे भारत का इस तरह से आगाज नहीं हुआ होगा जैसे आज इसका हो रहा है। देखिए सामने से, हाँ, सम्राट चौधरी रविशंकर प्रसाद समेत कई लोग और सामने ढोल लगा रहे ताल करते हुए इस ट्रेन का लोकार्पण। और पटना जंक्शन से निकली है और सीधा ये हावड़ा तक चलेगी अभी, और इस यात्रा में हम आपके साथ होंगे। देखिए हरिलाल का थाली है ये, नॉर्मली जब पटना में आप हरिलाल में खरीदते होंगे वेज थाली तो ऐसा ही मिलता होगा, और इसके अंदर क्या है ये देख लीजिए। पूरा रेलवे के साथ में हरिलाल ने भी अपना ब्रांडिंग कर लिया है इस उद्घाटन के साथ में। चावल है, सब्जी है, भुजिया है, उधर भी लग रहा है पनीर की सब्जी है, मिठाई है, रोटी है, अचार है, साथ में मिर्चाई भी है।
वंदे भारत हावड़ा पहुंच गई है। ये हावड़ा में देखिए सेलिब्रेशन इस तरफ।